अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फैट बर्निंग वर्सेस फैट लॉस। बहुत अंतर है फैट बर्न में और फैट लॉस में। साइंटिफिकली समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फोकस कर रहे थे अभी तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। वेलकम बैक। बहुत बार मैंने बहुत से वीडियोस में बोला है कि कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होता, लेकिन लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं कि नहीं आप गलत हैं, कार्डियो करने से फैट लॉस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो बहुत समय से देख रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि अगर फैट लॉस करना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, कैलोरी डेफिसिट। लेकिन उसके बावजूद ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है। आज हम उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी का सोर्स क्या होगा ये उस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वो सोर्स हो सकता है फैट, वो सोर्स हो सकता है ग्लूकोज, या फिर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये दोनों सोर्स हो सकते हैं या फिर फैट सोर्स हो सकता है। अब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट एनएरोबिक जोन में नहीं है, एनएरोबिक जोन का मतलब वो जोन जहां पे आपका हार्ट रेट मैक्सिमम पे काम कर रहा हो। और एनएरोबिक जोन में कौन सी एक्सरसाइजेस आती हैं? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा हार्ट रेट एनएरोबिक जोन में होता है, और इस केस में हमारी बॉडी का जो फ्यूल होता है वो होता है ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। लेकिन जब हमारा हार्ट रेट एरोबिक जोन में होता है, और एरोबिक जोन डिफर कर सकता है हर किसी का, जैसे एक नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, और 72 बीट्स पर मिनट से लेकर 100 120 बीट्स पर मिनट तक हमारा जो हार्ट रेट है वो एरोबिक जोन में रहता है। और इस एरोबिक जोन में बॉडी का जो फ्यूल होता है वो होता है फैट। यानी कि बॉडी हर वो एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट एरोबिक जोन में है उसमें एनर्जी का सोर्स फैट को रखती है। क्यों? क्योंकि फैट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में फैट स्टोर है। और एरोबिक एक्टिविटी हम दिन भर में 80-90% टाइम कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अभी बैठ के आपको ये क्लास ले रहा हूँ तो मेरा जो बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है वो फैट से यूज़ हो रही है। आप बैठे ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखते वक्त जो भी बॉडी की जो इंटरनल फंक्शन है उसको पूरा करने के लिए जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो फैट से यूज़ हो रहा है। आप वॉक करेंगे वो एरोबिक एक्टिविटी है, बॉडी फैट को यूज़ करेगी। आप सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे अपने ऑफिस जाएंगे तो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए बॉडी फैट यूज़ कर रही होती है अपने एनर्जी प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, वो फैट बर्न हो रहा है। जब हम फैट यूज़ करने की बात कर रहे हैं एनर्जी को देने के लिए तो फैट बर्न हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। इसको समझना ज़रूरी है और इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज़ कर लीजिए कि आज सुबह आप उठे, उठते के साथ आप अपना काम धाम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को करने में बॉडी ने 1000 कैलोरी बर्न किया दिन भर में। इसके अलावा आप 1 घंटा वर्कआउट करने गए, उस वर्कआउट को करने में बॉडी ने 500 कैलोरी बर्न किया, तो टोटल जो कैलोरी बर्न हुआ वो हुआ 1500। अब ये कैलोरी बर्न हुआ है, लॉस नहीं हुआ। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1500 कैलोरी की। क्यों? क्योंकि इतना बॉडी ने खर्च किया है एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए। अब अगर ये 1500 कैलोरी आप खा के पूरा कर देंगे तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो यूज कैसे होगा? सपोज कर लीजिए बॉडी ने 1500 कैलोरी तो बर्न कर दिया, वो आपके स्टोर से ही यूज किया, लेकिन आपने 1500 कैलोरी जब वापस खा लिया तो वो जाके वापस से उसको निगेट कर देगा। इनफैक्ट लोग 1500 कैलोरी बर्न करके 1600 कैलोरी खा रहे होते हैं या 1700 कैलोरी खा रहे होते हैं, इवेंचुअली उनको ऐसा लगता है मैंने तो 500 कैलोरी का कार्डियो भी किया है फिर भी मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्योंकि आपने 1500 कैलोरी टोटल बर्न किया और आपने 1600 या 1700 कैलोरी खा लिया, यानी कि आप 100-200 के सरप्लस में हैं, आपका वेट बढ़ेगा कम नहीं होगा, जबकि आपने कार्डियो भी किया है। तो फैट लॉस कैसे होगा? फैट लॉस होगा कि जब आपने कैलोरी बर्न की जो दिन भर में,
और इस टोटल कैलोरी बर्निंग को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या है? कुछ नहीं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो बॉडी एनर्जी का यूज कर रही होती है, स्टोर्ड एनर्जी का, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है टोटल, उस रिक्वायरमेंट से जब आप कम खाएंगे, अब ये रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1500 कैलोरी की थी, अब आप 1200 कैलोरी खाएंगे, तब बॉडी डेफिसिट में जाएगी, 300 कैलोरी के डेफिसिट में। ये 300 कैलोरी का फैट लॉस हुआ, ये 300 कैलोरी बॉडी स्टोर फैट से यूज करेगी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो कैलोरी बर्निंग या फैट बर्निंग और फैट लॉस में बहुत अंतर है। फैट बर्न हर कोई कर रहा है और हर समय कर रहा है। आप जितना एक्टिविटी करेंगे, जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे, उतना बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होगी और उसका सोर्स फैट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फैट बर्निंग फैट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपको अपने फैट बर्न को लॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का पता करना होगा कि मेरी बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, मैं दिन भर में कितने कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, टोटल कितना कैलोरी है, इंक्लूडिंग वर्कआउट, इंक्लूडिंग रेस्ट टाइम, टोटल कैलोरी। और फिर उस टोटल कैलोरी को पता करने के बाद आप अपना डाइट चार्ट बनाएंगे कि मेरी रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरी की थी, मैं 1200 कैलोरी खाऊंगा, मेरी बॉडी में 300 कैलोरी पर डे के हिसाब से फैट लॉस होगा, 300 कैलोरी का फैट लॉस होगा, 300 ग्राम नहीं होगा। अब इस 300 कैलोरी को यूज करने के लिए कितने ग्राम फैट होगा, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैलोरी बर्निंग एक डिफरेंट चीज़ है और फैट लॉस एक डिफरेंट चीज़ है। फैट बर्न हर कोई कर रहा है, हर समय कर रहा है, लेकिन फैट लॉस कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग कर रहे हों, जब तक कि वो कॉन्शियस ना हो, जब तक वो अपनी कैलोरी को काउंट ना कर रहे हों कि कितना हमें चाहिए और हम कितना इनटेक करें ताकि हमारा फैट लॉस हो। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इस टॉपिक पे तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।